एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, एकदम मजे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोटेशन मोशन। बहुत खतरनाक ये चैप्टर आप लोग जानते ही होंगे, इसके क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन मोशन, वो भी एक वीडियो में, ठीक है ना। ये तरीके का स्टॉर्म है, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था, स्टॉर्म आने वाला है, हिट करने वाला है आप लोगों को, तो आज आ गया। तो चलिए आज चालू करते हैं रोटेशन मोशन, और विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए आज सीधा सीधा चालू करेंगे, ओके। तो लेट अस स्टार्ट इट। तो भाई रोटेशन मोशन के लिए आपको क्या क्या आना जरूरी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपको जितना भी काइनेमेटिक्स था वो आना जरूरी है, आपको लॉज ऑफ मोशन पूरा आना जरूरी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो वर्क एनर्जी पावर भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और भी बात करूं तो सर्कुलर मोशन तो कंपलसरी है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं कि रोटेशन मोशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन मोशन का भैया मैं सबसे पहली बात कहूं तो इसे मैं कह सकता हूं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स तो हम सभी जानते हैं, चलने वाली चीजें, है ना, या फिर मोशन क्यों हो रहा है, उसका कॉज। अच्छा पहले रिजिड बॉडी देखो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब कुछ ठोस, मतलब सॉलिड टाइप का, ठीक है ना। एक सॉलिड बॉडी को हम रिजिड बॉडी के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लॉक, जिस ब्लॉक को हमने बहुत सारे वीडियोस में घुमाया है, और जस्ट लाइक अ स्फीयर, अ बॉल, ठीक है ना। जो आपके पास एक बॉल होती है, इट वुड ऑल्सो बी कंक्लूडेड एज रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी हो गई, बॉल हो गया, स्फीयर हो गया, आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, और आपके आसपास जो भी चीज है वो ज्यादातर चीजें रिजिड बॉडी में काउंट होती है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं रोटेशन मोशन जनरली में होता है क्या, ठीक है ना। रोटेशन मोशन का आप देखते हैं भाई जनरल सा इंट्रोडक्शन। रोटेशन मोशन आखिरकार है क्या चीज, है ना, ये निकला किधर से है। तो भाई मोशन जो होता है ना रिजिड बॉडी का, मैं बात कर रहा हूं रिजिड बॉडी के मोशन की, ठीक है, रिजिड बॉडी के मोशन की। तो रिजिड बॉडी भाई तीन तरीके का मोशन करता है, जिसमें पहला ट्रांसलेशनल, ठीक है, दूसरा मोशन है रोटेशनल, ठीक है ना, रोटेशन मोशन, और जो तीसरा मोशन है दैट इज इन दोनों का सम, ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट का सम, ठीक है, मतलब रोलिंग, यू कैन ऑल्सो कंक्लूडेड इट एज रोलिंग, या फिर उसे हम टूपलिंग भी कह सकते हैं ना, वो चीज अलग चीज हो गई ना टूपलिंग की, उसकी बात हमें नहीं करनी। आओ तो देखो भाई, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रोलिंग तीन चीज होती हैं किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में। कोई भी रिजिड बॉडी तीन तरीके का मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रोलिंग, ओके। सो मेरे पास वही एक प्यारा सा बॉल है, स्फीयर है, ठीक है ना, वही एक प्यारा सा स्फीयर है। अभी मैं इसे सीधा सीधा आगे की तरफ स्लिप करा के ले जाऊं, ठीक है ना, सीधा सीधा इसे आगे की तरफ वेलोसिटी वी से स्लिप कराता हुआ ले जाऊं, तो इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, बट मेरे दिमाग में कुछ नया आया, मैंने कहा इस बॉल को मैं यहीं पकड़ा हुआ एक एक्सिस के अलोंग घुमा देता हूं, जस्ट लाइक अर्थ, हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ एक एक्सिस के अलोंग यूं अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये चीज आपने पढ़ा भी होगा सोशल साइंस वगैरह में, ठीक है। तो अर्थ भी एक तरीके से यूं रोटेट कर रही है, तो मैंने कहा भैया मैं भी इसे एक एक्सिस के अलोंग क्या करा रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया रोटेशनल मोशन। हाँ एक बात याद रखना, रोटेशन मोशन आएगा तो ये वाला वेलोसिटी गायब। फिर अगर हमें रोलिंग की कंडीशन लेनी है तो भाई मैं इसे घुमाऊं भी, समझो घुमाऊं भी आगे भी ले जाऊं, ठीक है, घुमाऊं भी आगे भी जाए, ठीक है ना। बॉल है, जस्ट लाइक अ बॉल, पहले तो भैया बॉल को मैं सीधा सीधा लेके गया, ओके, अब मैंने बॉल को यूं घुमाया, रोटेशन मोशन। अब मैंने कहा बॉल को घुमाना भी है और आगे भी लेके जाना, ठीक है, तो वो हो गया रोलिंग, वो भी हो गया रोलिंग, और वो भी आज की इसी वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सर रोलिंग, ओके भाई, ये हो गया रोलिंग।
ओके, रोटेशन मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, ये चीज आई थिंक क्लियर होगी अब आपको। और इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, ठीक है ना। तो रोटेशन मोशन के अंदर आपको सर्कुलर मोशन आना बहुत 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 नेसेसरी है, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं रियलिटी में रोटेशन मोशन होता क्या है। लाइक जस्ट एल्स मेरे पास जस्ट लाइक एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, अभी मैंने इसे घुमाना है, ठीक है, मैंने इसे सीधा सीधा यूं घुमाना है। जैसे आपने SHM और वेव के बारे में पढ़ा होगा कि SHM क्या होता है, एक सिंपल पार्टिकल का ऑसिलेशन होना, ठीक है, एक सिंपल पार्टिकल का SHM होना। और वेव्स क्या होता है, वेव होता है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ऑसिलेट होना। जस्ट लाइक हियर क्या है भाई कि मेरे पास है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको मेरे को सर्क्यूलर में घुमाना है। समझ में आया नहीं आया मेरे को बताता। अच्छा देखो, मेरे पास एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है ना, एक्सिस का खेल अभी क्लियर करूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक, ध्यान देना यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल, नाम दे देते हैं पार्टिकल 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो बॉडी है ये कर रहा है रोटेशनल मोशन, ध्यान देना रोटेशनल मोशन, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 and 4 and also 5 and 6। सो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सर्क्यूलर मोशन। ध्यान देने की बात पूरा बॉडी रोटेशनल करेगा और ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि उसका प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब ध्यान देने की बात एक और कि इसके जो एंगुलर पैरामीटर्स होंगे वो सेम होंगे फॉर ऑल पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं इसका एंगुलर देखूं, अगर मैं इसके एंगुलर पैरामीटर्स देखूं तो वो 2 वाले के बराबर होंगे, अगर मैं 2 वाले का देखूं 3 के रेस्पेक्ट में तो वो 3 के बराबर होंगे। मतलब कि एंगुलर पैरामीटर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एंगुलर पैरामीटर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एंगुलर पैरामीटर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एंगुलर पैरामीटर ऑफ 4 is equals to angular parameter of 5 and it is also equals to angular parameter of 6 and so on। जितने भी पार्टिकल है उसके अंदर सबके साथ यही काम होगा, सबके साथ होगा यही अत्याचार, ठीक है, सबके साथ उनका एंगुलर पैरामीटर सेम होगा। ओके, सो अभी देखो यार एंगुलर पैरामीटर की बात करी, अभी मैं ट्रांसलेशनल पैरामीटर्स की बात करूं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, है ना, स्पीड हो गया, ये वगैरह वगैरह चीज भी तो होंगी भाई, है ना, एक पार्टिकल की कुछ स्पीड भी तो होनी है। v इज इक्वल टू r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। देखो सर्कुलर मोशन का मैंने कोई नया वीडियो नहीं निकाला है, सर्कुलर मोशन का मैंने फिजिक्स 4 में कोई नया वीडियो नहीं निकाला है, आप जा सकते हैं पुराने वीडियोस देख सकते हैं, 3 वीडियोस हैं बस सर्कुलर मोशन के, वर्टिकल सर्कल वाला हमने कराया नहीं, उसे बाद में देखेंगे, है ना, जब टाइम मिलेगा तब। ओके, सो देखो यार सर्कुलर मोशन है अपना, ये सारे पार्टिकल्स सर्कल में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस और स्पीड की हमें बात करनी थी। अच्छा देखो ये पार्टिकल है 1, इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ स्पीड होगा जो ये कवर करेगा। भाई डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है ना, और मान लो इतने थीटा के एंगल से ये उधर गया, तो ये जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना, और जिस स्पीड से ये उधर जा रहा है दिस स्पीड इज कॉल्ड, अरे भाई स्पीड तो स्पीड ही होता है ना, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है क्या कि एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं, मेरी बात सुनो सीधी सीधी, ठीक है ना, अगर रटना चाहते हो तो एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं और बाकी के ट्रांसलेशनल पैरामीटर सेम नहीं होते। ओके, सो अभी देख लो यार एंगुलर पैरामीटर्स क्या क्या है। एंगुलर पैरामीटर्स के अंदर हमारे आते हैं लाइक अ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लाइक अ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी लाइक ओमेगा एंड अल्फा लाइक एंगुलर एक्सीलरेशन,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन की इधर बात नहीं हो रही, ध्यान देके बात को सुन लीजिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन की इधर बात नहीं हो रही, ध्यान दो क्या कि पहली बात एंगुलर पैरामीटर्स हो गया ओमेगा अपना, दूसरी बात अल्फा, तीसरी बात थीटा, और भी कोई बच रहा है क्या? अब नए वाले ये तो हमने सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ लिए थे, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में ये सारी चीज हम पढ़ के आए हैं। सो अब नए वाले देखो आई, और देखो तुम टॉय, ठीक है, ओमेगा अल्फा थीटा आई टॉय, ठीक है, तीन चार चीज हो गई है। और एक और मैं लिखना चाहूंगा एल, और मैं लिखना चाहूं तो जे भी मैं लिख सकता हूं, वैसे एंगुलर जे को क्या कहेंगे, एंगुलर इम्प्यूड, ओके ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये सारी चीज क्या है, एंगुलर पैरामीटर्स है, ये सारी चीज आज हमें पढ़नी है, ठीक है ना, और ये तीनों तो हमें सर्कुलर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ओमेगा अल्फा थीटा हमने सर्कुलर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना। इधर ही काइनेमेटिक्स है, सर्कुलर का काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, सर्कुलर का काइनेमेटिक्स है ये, ओके। तो आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही 11 मिनट गए अपने, फालतू के वेस्ट हो गए, ओके। सो ये सारा इंट्रो यहां पर मैंने खत्म कर दिया, अब मैं चालू करने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, ओके। ये सारी बात क्लियर है ना कि रोटेशन मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर में होना और किसी भी बॉडी का रोटेशन में होना, ठीक है, सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर में होना और किसी भी बॉडी का रोटेशन में होना, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, भैया सीधा लेके गया सीधा लौटा के लाया, ठीक है ना, और रोलिंग क्या, रोलिंग में रोटेशन भी हो ट्रांसलेशन भी, ओके गॉट इट, ओके। तो चलिए अब गाइस नई बात करते हैं, तो हाँ एंगुलर पैरामीटर्स वगैरह अल्फा थीटा ओमेगा और एल और टॉय और भी वगैरह वगैरह, तो चलो अब चालू करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर बन सकता है, बट हमें ये 10-15 मिनट में ही खत्म करना है, ठीक है ना, हमें 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेना इसके। तो देखो भाई मेरे पास क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी का, चलो बॉडी का लमीना का बाद में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक जनरल केस का ले लो, एक पार्टिकल है, ठीक है ना, और सेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दैट है, ठीक है ना, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इस एक्सिस के अलोंग ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, इस एक्सिस के अलोंग ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग। अब एक्सिस क्या होता है वो बाद में देखना है, ठीक है ना, एक्सिस ये हमारे एक्सिस तीन तरीके के होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स एक्सिस अपना ये वाला समझ लो, वाई एक्सिस ये वाला समझ लो, या फिर कुछ लोग वाई को ऊपर वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें जेड ये वाला लेना पड़ता है, ठीक है ना, तो मतलब इनके बीच में ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है कि मैं वाई को इधर लू या जेड को इधर लू या फिर एक्स को इधर या फिर एक्स को इधर, ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है, बट ध्यान देने की बात है कि एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इसे वर्टिकल वाले में रोटेट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर वर्टिकल वाले को दूंगा नाम वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपकी तरफ वाला जो एक्सिस होगा लाइक दिस एक्सिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, ठीक है ना, क्लियर है, ओके डन, और ये वाला एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। तो देखो भाई सीधी सीधी बात, मैंने इसको घुमाया, ठीक है ना, इसको घुमाया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है दोस्त मास, समझ लो रोटेशनल मोशन में जो मास होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल मास का होता है वो रोल इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लाइक देखो मेरे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए था, ठीक है ना, तो एफ की जगह मैं इधर टॉय डालूंगा और एम की जगह मैं इधर आई डालूंगा और ए की जगह मैं इधर अल्फा डालूंगा,
ऐसे हमें कई सारे फॉर्मूलाज यहां से डेरिवेट करने हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो समझने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मास ऑफ अ रोटेशन मोशन, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मास ऑफ अ रोटेशन मोशन, ठीक है ना। ये मास की तरह एक्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? दोस्त इसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर दैट टाइप ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है ना। अगर हम इस तरीके की बात करें तो इधर मैं सिग्मा लगा सकता हूं, तो मेरे को अगर इसका निकालना है इसका, तो मैं सर डिस्टेंस को मान लीजिए कह देता हूं 1 मीटर और इस मास को मैं आइडेंटिकल लेके 2 किलोग्राम कह देता हूं, ठीक है। 2 किलोग्राम 1 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप खुद से पढ़ लें, हाँ, या फिर एक वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरा, उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई क्या होगा इधर? सिग्मा ऑफ एम आर स्क्वायर, मतलब इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है ये बात जिक्र नहीं करी। मान लीजिए मेरे से कहा कि इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है 0.25 मीटर, तो इसकी एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, चलो मैं 0.5 मीटर ही ले लेता हूँ, आधा आधा दे देता हूँ दोनों को, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 0.5 मीटर ये, 0.5 मीटर ये, 1 मीटर ये। तो बोलो एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम आर स्क्वायर कैसे होगा? सीधा सीधा अपने पास क्या है, 2 इंटू 0.5 टू द स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 0.5 टू द स्क्वायर। बोलो ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन को अब यहाँ पे क्या करना, अपन को कुछ नहीं करना, बस ये आगे अपना 2 इंटू 0.25, ठीक है ना। और देख लो भाई, 1, 2, ओके डन है, और इधर आ गया 2 इंटू 0.25। 0.25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, आई आ गया 0.5 प्लस 0.5, मतलब आई कितना आ रहा है दोस्त? 1.0। ध्यान दीजिएगा आई कितना आ रहा है? 1.0। अगर इसका कोई भी आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो गया यार, मास ले लो किलोग्राम, ठीक है ना, और ये ले लो मीटर स्क्वायर। ये चीज तो भाई अपने आप कर लिया करो, मास हो गया अपना किलोग्राम, रेडियस का, रेडियस मतलब रेडियस मत को डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस हो गया अपना मीटर, मीटर का स्क्वायर, ओके डन क्लियर। तो ये चीज समझ में आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है। अभी मैं इसका डेरिवेशन वगैरह इधर नहीं लूंगा, और मैं आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के लिए, ठीक है ना, आप उन्हें एक बार में याद भी कर सकते हैं, और एक सिंपल सी ट्रिक जो कि उन्हें एक बार में आपको मेमोराइज करा देगी। तो लेट्स स्टार्ट इट, उस ट्रिक को देखते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो नाउ मेरे पास वो जो ट्रिक है, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं भाई। मेरे पास ये जो है ना, वो देखो, एक मेरे पास इस तरीके का, दूसरा मेरे पास लाइक दैट, एंड तीसरा भी मेरे पास लाइक दैट, और चौथा भी मेरे पास लाइक दैट, ठीक है ना। ये सबसे इजी है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मैं लिखने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये है होलो, ठीक है ना। शुरुआत वाला कैसा है? खोखला होलो, जिसके आर पार आप यूं करके देख सकते हो ना इसके अंदर से, और ये जो एक रिंग हो गया, रिंग जो हाथ में पहनते हो, ठीक है ना। और ये कैसा है? ये भी होलो है, मतलब कि फर्स्ट 2 आर होलो एंड सेकंड 2 आर सॉलिड, ये भी सॉलिड हूं, मैं भी सॉलिड हूं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं हम भी सॉलिड, तुम भी सॉलिड, ठीक है, ये होलो होलो। तो देखो भाई, होलो की बात करूं मैं, होलो की बात करूं तो इसका जो आता है भाई, वो आता है एम आर स्क्वायर लाइक दैट। करना क्या है, ध्यान देना, 2mr स्क्वायर लिखना है, उसके नीचे 2 डाल देना है। शुरुआत करना यहां से है, 2mr स्क्वायर लिख के उसके नीचे 2 डाल देना है, लाइक दैट, ओके। सो अभी मैंने क्या किया, इधर इसके नीचे आया मैं, 2mr स्क्वायर बाई 3 कर दिया, इसका निकल के mr स्क्वायर आ जाएगा, तो mr स्क्वायर ले लो। r क्या है भैया? रेडियस है, ठीक है ना,
आर क्या है भैया? रेडियस है। और ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ मास। इतनी सारी बातें एक ही वीडियो में भाई, पूरा वन शॉट है यार, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा मेरे को भी। ये क्या है? सॉलिड 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 सॉरी 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 सॉलिड सॉलिड एम आर स्क्वायर बाय फोर, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू। आर क्या है? रेडियस। यहां पर देखिए सॉलिड, सॉलिड क्या हो गया भाई? भाई सॉलिड, सॉलिड का हो गया यहां पर फाइव, सॉरी टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर। बोलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये चीज आपको याद होना, याद हो जानी चाहिए। एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर बाय थ्री, एम आर स्क्वायर बाय टू, टू एफ टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर। बढ़िया सा एक स्क्रीन शॉट, इसका आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। और भी दो तीन चीजें हैं, और भी दो तीन शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद करना है अलोंग सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग सेंटर ऑफ मास की एक्सिस। तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, गेट इट? ओके। सो भाई मेरे पास एक है, एक सिंपल सा तारा है, तारा नहीं है ये तारा नहीं है, ये एक रॉड है, रॉड, एक सिंपल सी रॉड। रॉड को भी तारा बताओ, क्या जुल्म है, ठीक है। तो मैंने इसको डिग्री सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से पास कराया। ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके बाद में जो आपको दो थ्योरम बताऊंगा उसके बाद आप आसानी से पैरेलल एक्सेस उसकी निकाल सकते हैं और उसकी परपेंडिकुलर एक्सेस बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, जिसको आपको डायमेट्रिकल एक्सेस कहता है। ध्यान रखना, जब भी आपसे परपेंडिकुलर एक्सेस की बात करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो आपसे कहेगा डायमेट्रिकल एक्सेस, ठीक है। तो अभी मैं से सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट कराया, मैंने तुझको सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट कराया, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना है? मैंने कहा भैया एल लेंथ है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका प्रूफ तो करूंगा नहीं, तो मैं क्या कह दूंगा, मेरे को इसको याद कर लेना है एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, वरना इसका बहुत प्यारा सा प्रूफ है जो मैंने कराया भी आई थिंक पुराने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले वीडियो में, आपको जाके उसे देखना ही पड़ेगा, उसे देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकता, यहां पर मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। देखो ये चीज क्लियर है, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। ओके, सो मेरे पास है एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस ले लो भैया, ये वो मान लिया सेंटर ऑफ मास। तो ये आ जाता है, इस साइड को मैं क्या लेता हूं, ए एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व, आई थिंक 12 ही होगा, लेट मी चेक 12 का, हाँ एक मिनट जरा, एम ए स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 6 होगा, 6 एम ए स्क्वायर बाय 6 सेंटर ऑफ मास, ये वाला एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है ना, एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, 6 का दुगना 12। ओके, सो ये चलो अभी मैं अगली जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं दो एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है, मेरे पास एक लमाइना है और लमाइना के अलोंग मैंने यहां पर ले लिया और एक एक्सिस मैंने यहां पर ले लिया। देखो एक्सिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सिस एक्स वाई जेड हो सकती है और एक्स वाई जेड कहीं से भी पास कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट, ठीक है। और मैंने कहा भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस मैंने कहा ए होगी। तो इधर ये वाला जो है इसका आई और इसका आई, आई नॉट कह लेता हूं, तो इसका जो आई नॉट होगा वो बराबर होगा आई प्लस एम ए स्क्वायर। जल्दी से डाल लीजिए क्योंकि मेरे को अभी से बहुत जल्दी से इरेज भी करना है। अभी देखो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और होता है कि मैंने इसी जगह से इसी के अलोंग एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो देखो भाई ये मैं मान लेता हूं आई ऑफ एक्स है, ये मैं मान लेता हूं आई ऑफ जेड है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के अलोंग ज्यादातर जो हमें एक्सिस माननी है दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है, बात याद रखने की। सेंटर ऑफ मास के अलोंग ज्यादातर जो एक्सिस हमें माननी है दैट इज जेड एक्सिस। एंड लेट मी चेक हाउ मेनी मिनट्स आई हैव कंज्यूम्ड। ओके 24 मिनट्स, इट्स अ ह्यूज टाइम। ओके, सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो हमें एक्सिस माननी है दैट इज जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस। तो भाई ध्यान रखने की है, इसको तो 2x पे नहीं देखोगे ना तुम, इसमें मैं इतनी तेज बोल रहा हूं ऑलरेडी, उसे भी 2x। चलो देखो आई जेड की बात करूं, आई जेड और आई एक्स के बारे में,
तो मेरे पास एक रिलेशन होता है आईजेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और ये देखा जाता है कि जनरली आई एक्स इज नो इस तरीके का सिंबल नहीं बनाना, ऐसा बनाना आई वाई जनरली। तो इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ मैं इसको इरेज करता हूं। चलो तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा कंसेप्ट मैंने आपको हैंड टू हैंड डिलीवर कर दिया, आप तो हमारे घर आए ही नहीं, फिर हैंड टू हैंड कैसे डिलीवर हुआ? हाइपोथेटिकल, सब चीज हाइपोथेटिकल है दुनिया। चलो तो फालतू की बातें बंद करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं गाइज। इसको हम फोर्स कहते हैं रोटेशन की दुनिया में, ठीक है ना, इसको हम फोर्स कहते हैं रोटेशन की दुनिया में। फोर्स क्या करता है, बॉडी को मूव कराता है, और यहां पर बॉडी को रोटेट कराएगा टॉर्क, फोर्स का जुड़वा भाई, ठीक है ना। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि टॉय इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये बात याद रखना, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नहीं होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं टॉय इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना। यहीं से आपको ये भी याद रख लेना है कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है दैट इज आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना, आर एफ साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं निकालने की बात करूं, वेयर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मैं बात करूं एफ की, एफ इज इक्वल टू सी डी 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 आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट की बात यहां पे हो जाएगी। तो मैं कह लेता हूं टॉर्क कितना आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का डिटरमिनेंट वाला कॉलम बनाना है, और यहां पर हमें लिखना है आर और यहां पे लिखना है एफ, तो आर का डाल दो ए बी सी, सॉरी आई कैप जे कैप और के कैप डालो, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर आएगा R, यहां पर आएगा F, तो R का डालो A B C और यहां पर F का डालो D E F। अब क्या है, I का बंद करके इन दोनों का, ठीक है ना, बी एफ माइनस सी ई आई कैप प्लस J का बंद करके इन दोनों का सी डी माइनस ए एफ जे कैप प्लस K का बंद करके इन दोनों का, इसका भी एक स्पेशल वीडियो है, ए माइनस बी डी के कैप, ठीक है ना। तो अभी वीडियो को बंद करके थोड़ी देर इसको रिकॉग्नाइज कर लो कैसे हुआ क्या हुआ, इसके पहले का जितना भी सिनेरियो चला ना, सिनेरियो जो भी चला उसे रिकॉग्नाइज कर लो, ओके डन, आगे चलते हैं। तो भाई मेरे को क्या है ना, इसका अगर मेरे को डायरेक्शन फाइंड करना है, वेयर वेन ज्यादातर देखो होगा क्या, अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या चाहिए, वन चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि अगर फोर्स ऐसा है आर ऐसा है तो नो टॉर्क होगा, नो टॉर्क, ठीक है ना, नो टॉर्क। अगर मैं बात करूं फोर्स ऐसा है आर ऐसा है तो टॉर्क होगा, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऐसा और आर ऐसा तो टॉर्क होगा, और वो जो टॉर्क होगा वो जेड डायरेक्शन होगा, यही बात समझने का है, जेड डायरेक्शन में होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, पर कैसे होगा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे आर कह लूं, अगर मैं इसे एफ, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या होता है भैया, निकल के दूसरी डायरेक्शन में भागता है, मतलब कि x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है z में जाएगा, y और z का मल्टीप्लाई हो रहा है x में आएगा, x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है z में जाएगा, x और z का मल्टीप्लाई हो रहा है y में जाएगा, y z का x में जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, ओके बस यहां पर देखो आर एफ, ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर फर्स्ट पर आर दिया हुआ है, सेकंड पर एफ दिया हुआ है, मतलब आर से एफ हमें यू उंगली घुमानी है, और यहां पर जो आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं ना अंगूठे की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब यहां पर ये जो टॉर्क है वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसे आर इसे कह दूं, एफ इसे कह दूं, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है मैंने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया, लेफ्ट हैंड रूल है, हाँ, तो R टू F अंदर की तरफ हो गया, एक मिनट, नाउ आई एम कंफ्यूज, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, राइट हैंड रूल है ना, R टू F अंदर की तरफ, R टू F बाहर की तरफ, नाउ आई एम कंफ्यूज। अच्छा ऐसे हम ऐसे भी देखते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी पता चल जाता है, एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है ना, तो इधर से ये ऐसा जा रहा है, ऐसा कैसा जा रहा है, ऐसा तीन से दो एंटी क्लॉक वाइज ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड का हमें यूज करना है, कौन सा हैंड, राइट हैंड याद रख लो, राइट हैंड, गड़बड़ हो जाएगी अगर लेफ्ट यूज कर लिया तो, जैसे अभी हो गई थी, ठीक है ना, राइट हैंड यूज करना है। आर टू एफ इधर घुमाया इधर की तरफ, अगर इधर आर हो तो अंदर की तरफ, ठीक है, इतनी बात क्लियर, टॉर्क क्लियर, टॉर्क क्लियर, ठीक है ना, टॉर्क क्लियर, टॉर्क, टॉर्क की तो बात ही नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा तो है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, याद रखने की बात, अगर ऐसा हुआ तो टॉर्क नहीं होगा, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो टॉर्क 100% होगा, मतलब कि टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। स्टॉप, ओके, सो अब हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स, इसी चीजों का काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। उससे पहले भाई इक्विलिब्रियम बता देता हूं थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम भी एक चीज होती है, होती होगी, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम भी एक चीज होती है जो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो यहां पर देखिए मेरे पास एक पंखा है, ठीक है ना, मेरे पास एक फैन है और आई से कि जस्ट लाइक ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को देखना है ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में होगा, तो मेरे को बस देखना है भैया जी सिग्मा ऑफ टॉय इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ मैं बताऊंगा नहीं रोटेशन इक्विलिब्रियम का, थोड़ा एक दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, ज्यादा टाइम में कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि यू हैव टू सी ऑलरेडी यहां पर 31 मिनट हो चुके हैं। ओके, सो इतनी बात क्लियर हुई, टॉक क्लियर हुआ, बाकी की चीजें क्लियर हुई, एक बार दोबारा से रिकॉग्नाइज करना, और जो लोग भाई रिवीजन के लिए आए हैं उन्हें क्या रिकॉग्नाइज करना, चलो तो भाई टॉक क्लियर हुआ और ये हुआ, अब चलो हाँ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल, मुझे अभी तक याद है काइनेमेटिक्स का ही वीडियो एक घंटे का था, मोशन, यहां तक क्या बता रही हो, ओके ओके फॉरगेट इट, फॉरगेट, ओके। सो भाई 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 यहां पर देखिए मेरे पास काइनेमेटिक्स के लिए अल्फा थीटा और ओमेगा चाहिए, बस तीन चीज, अल्फा थीटा ओमेगा, ठीक है, अल्फा थीटा ओमेगा। तो देखो भाई एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, टॉर्क वाला एक फॉर्मूला है भैया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एक फॉर्मूला है भैया आर इज सॉरी टॉय इज इक्वल टू आई अल्फा, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, क्या बात समझ में आई 100%, ठीक है। तो अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट हो, ज्यादा बात अंदर से नहीं लूंगा कि अल्फा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एक अलग से वीडियो भैया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, आपको उसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद इधर आना होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगर अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो ये वाली चीजें लगेंगी, क्या लगेंगी, ये वाली चीजें क्या है दोस्त, हाँ, तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना, उसी तरीके से पहली आप लिख लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में हाफ अल्फा टी, ठीक है, एक और आप लिख लेंगे ओमेगा माइनस वी स्क्वायर टू अल्फा थीटा, ठीक है, तीनों इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी, तीनों इक्वेशन है मोशन की और कुछ नहीं है, इन्हीं को याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे जब अल्फा कांस्टेंट होगा, अगर अल्फा वेरिएबल है, अगर अल्फा वेरिएबल है तो वही सारी इक्वेशंस जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी वही सारी इधर भी डाल देना, इफ अल्फा वेरिएबल दोबारा डाल रहा हूं, इफ अल्फा वेरिएबल, अगर अल्फा वेरिएबल है तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अल्फा वेरिएबल होगा तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी या फिर डी स्क्वायर ऐसे नहीं कह सकते, थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ओके, अल्फा का हो गया ओमेगा, देखो ओमेगा का देखो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, डी थीटा बाय डी टी और एक इधर से आया अल्फा डी टी, यहां पर अल्फा क्या होगा, फंक्शन होगा डी टी का, तब काम करेगा, ठीक है ना, वो चीज तुम जानते हो ना, थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ लिया है अभी तक, बिल्कुल अनजान भी नहीं हो यार इन चीजों से, ठीक है, अल्फा थीटा ओमेगा, अल्फा थीटा और थीटा का तो रह ही गया, तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इज इक्वल्स टू मैं यहां पर ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, मैं यहां पर ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, थीटा को मैं लूंगा,
ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी ना, कंफ्यूज है। ओके, अल्फा वेरिएबल, सारी चीजें याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये सब चीज हमें यार पहले से पढ़ी हुई है ना। वी यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, वही चीज है ना, ओमेगा की वजह वी के लेना, ठीक है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल में एक्सेलरेशन। ओके, सो गाइज इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो अब मैं बात करने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी वर्क वगैरह वगैरह की इक्वेशंस यहां पे लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फॉर्मूला सारे हैं याद रखना, ठीक है ना। अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़ा है ना, सबका फॉर्मूला यहाँ आएगा, सबका आएगा। वर्क डन, zig 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 d theta, रोटेशनल वर्क डन है। पावर f क्रॉस b कहते हैं, ठीक है भैया, डॉट v कहते हैं, ठीक है ना। टॉर्क वेक्टर डॉट v वेक्टर, यहां पर v क्या होता है, ओमेगा होता, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है ना। ये तीन चीजें याद रखना, एक तरफ इन्हें मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक तरफ मैंने इन्हें लिख दिया। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं कुछ और नई चीजें, क्या है कि एक्सेलरेशन रेडियल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है ना। एक बात याद रखना, ज्यादातर चीजों में आर का मल्टीप्लाई होना है, आर का मल्टीप्लाई होना है, कंपल्सरी है। वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोटेशन, ठीक है ना। ये भी एक वर्ड कहा जाता है, प्योर रोटेशन यही चीज है, मतलब ये पक्का रोटेट करे, ठीक है ना। सीधी बात समझ में आया, बहुत बेहतरीन, ये बात क्लियर है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब मैं आगे थोड़ी सी और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे बातें, तो आपसे और थोड़ी सी मुझको करनी है बातें। तो भाई ये सारी चीज आपको क्लियर हो रही है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो रहे हैं, इसमें ज्यादा चीज याद करने की नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारे फॉर्मूलाज ट्रांसलेशन वाले में पढ़े थे। बस उधर हमें ये याद रखना है कि इसको ये रिप्लेस करता है। लाइक दोबारा से रिकॉल करते हैं, एस को रिप्लेस थीटा करता है, वी को रिप्लेस ओमेगा करता है, ए को रिप्लेस अल्फा करता है, और एफ को रिप्लेस टॉक करता है, मास को रिप्लेस आई करता है, और काइनेटिक एनर्जी को तो कोई रिप्लेस नहीं करता, वर्क डन को कोई रिप्लेस नहीं करता, पावर को कोई रिप्लेस करता। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर, बस इतना ही नहीं था, अभी एक और चीज बची हुई है, बताइए उसका नाम क्या होगा, गेस कीजिए। एंगुलर मोमेंटम, लेडीज एंड जेंटलमैन, No, boys and girls, please welcome a new champion, that is angular momentum, ठीक है। तो angular momentum की हमें यहाँ पर discuss करना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो भाई angular momentum क्या होता है, angular momentum भैया हम होते हैं mv vector cross r vector, इसे ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर कि l is equals to P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, वही चीज पुरानी वाली, ठीक है ना, वही घिसा बेटा। तो L इज इक्वल टू, यहां पर भी याद रखना, R को हम आगे रखते हैं, आई एम सॉरी, गलती कर बैठा हूं मैं, ठीक है ना। अब याद रखना भाई, थीटा R का भी हो सकता है, V का भी हो सकता है, जैसे हमने टॉर्क में देखा थीटा किसका होना चाहिए, थीटा किसी का भी हो सकता है, थीटा सबको प्यारा है, ठीक है। तो L R क्रॉस P आ गया। अगर मैं यहां से प्रूफ करने की बात करूं, जो कि आप लोग ऐसे प्रूफ करते हैं, और अगर आपको नहीं हो रहा हो तो एक सिंपल तरीका यहां पे बता दूंगा, पहले वो वाला देख लो, क्या है कि L इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करो dl by dt, सो P इज इक्वल्स टू P वेक्टर, P वेक्टर के साथ क्या आएगा, dp by dt, सॉरी
डी आर बाई डी टी आना चाहिए क्या, प्लस आर वेक्टर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी मतलब डी आर बाई डी टी हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां पर देखो डी पी बाय डी टी, डी पी बाई डी टी एम बी बाई डी सॉरी आर बाई डी आना चाहिए क्या। यार मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने, क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है ना, तो यहां पर मास इंटू एक्सिलरेशन आएगा कहीं पर आर बाय डी टी, आर बाय डी टी वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर चला जाएगा तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। बची कहानी आर डीपी बाय डी टी, सो डीपी बाय डी टी आई थिंक एम वी बाय टी यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ओके यहां पर आ गया, क्या हुआ मैंने उसे क्यों काटा आपका कंफ्यूजन, यहां पर पी इस तरीके से जाएगा, वेलोसिटी इस तरीके से जाएगा, दोनों पैरेलल कैंसिल। यहां पर देखो आर डीपी बाय डी टी मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है इससे निकल के, डीपी बाय डी टी मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एफ, आ रहा है एफ क्रॉस आर, या फिर आप आर क्रॉस एफ भी कहिए, ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आर क्रॉस एफ कहिए। और ये जाता है अपना टॉर्क के बराबर, मतलब डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। चलो अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा वे, दूसरा तरीका जिससे कि हम इसे प्रूफ कर सकते हैं उस पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे और अपना काम हम कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आर क्या होगा, या फिर इस वाले में ध्यान दो भैया, एल इज इक्वल टू एम की जगह आई डाल दिया, ठीक है ना, आर आर इंटू वी, वी इंटू आर, अभी बताया था यार, अभी बताया था यार, आर इंटू वी ओमेगा, हा 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 एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, बोलो ठीक है। अभी आपके पास वो भी था डीएल बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, तो आप कह सकते हो डीएल बराबर में टॉर्क डी टी, ठीक है, डीएल बराबर में टॉर्क डी टी, ठीक है, फिर आप कहोगे डीएल बराबर में टॉर्क डी टी मतलब टॉर्क, टॉर्क हो गया अपना आर क्रॉस एफ मतलब आई ओमेगा, ठीक है ना, टॉर्क होता अपना आई ओमेगा, तो मैंने इस तरीके से ले लिया आई ओमेगा डी टी। सो इधर से मैंने कहा भैया आई तू बाहर जा, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, आई ओमेगा डी टी, ओमेगा बाय डी टी होना चाहिए क्या, ओमेगा बाय डी टी, नो नो नो, ओमेगा बाय डी टी नहीं होना चाहिए, ओमेगा बाय डी टी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो आई अल्फा होता है, सॉरी सॉरी ग्रेट कंफ्यूजन, हाँ अल्फा डी टी कितना होता है बोलो भाई, अभी बताया था अल्फा डी टी होता है डी ओमेगा, अब डी डी हटाओ यार, डिफरेंशिएशन हटाओ, ठीक है ना, चेंज हटाओ, तो आ गया आई, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक सिंपल सा ये तरीका। अभी आप इससे टॉर्क की तरफ भी ले जा सकते हो, कैसे कैसे ले जाएंगे हम गरीब बच्चे कैसे ले जाएंगे, अल्फा बाय टी, टी उधर फेंको, सॉरी मेरे से गलती हुआ क्या, अल्फा अल्फा टी सॉरी, टी उधर फेंको, एल बाय टी, आई अल्फा इज टॉर्क, बोलो ठीक है। देखो यार सारी चीजें क्लियर होंगी, एंगुलर मोमेंटम आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। हाँ अभी मैं बात करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, यहां भी कंजर्वेशन कहां कहां घुस जाता है जाने, मतलब यार जिंदगी झंड करके रख दी, कंजर्वेशन 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 हर जगह कंजर्वेशन, यहां भी कंजर्वेशन आ गया, सब चीज को बचा के रख लें, हमारी लाइफ बिगाड़ दी। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, वही बात है पुरानी वाली, डीएल बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, बोलो ठीक है। कौन से लेक्चर में देखा था ये, पिछले लेक्चर में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उधर ही था, डीएल बराबर जीरो मतलब चेंज इन एल यानी डेल्टा एल बराबर जीरो मतलब एल आई बराबर एल एफ, मोमेंटम कंजर्व हो गया अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल गाइज, बात क्लियर है, आई एम क्रिस्टल क्लियर नाउ, मैं भी क्रिस्टल जैसा समझ में लग गया। चलो भाई ये सारी चीज समझ में आई, एंगुलर मोमेंटम हटाई जाए
और एंगुलर इम्प्यूल्स तो आप भाई जानते ही हो, यहाँ पर ये जो डीएल लिखा था इसी को डेल्टा एल कहते हैं। और फिर एंगुलर मोमेंटम का आपको ग्राफ से निकालना हो तो आप एंगुलर इम्प्यूल्स आपको ग्राफ से निकालना हो तो भाई ऐसे निकाल लो। और भी एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्प्यूल्स जानना है तो उसका एक स्पेशल वीडियो लास्ट वीडियो था, ठीक है। अभी एक नया स्ट्रेन आने वाला है रोटेशन का, जैसा कि कोविड का चल रहा है, अभी एक नया स्ट्रेन आने वाला है भैया रोटेशन का। क्या सब चीज क्लियर है? अरे भाई यहां तो मैं ही आधा कटा हुआ हूं, अब क्लियर हूं। ओके, यहां पर एक नया स्ट्रेन आने वाला है रोटेशन का, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। हम तो पहले से इसी को देखने आए थे, रोलिंग मोशन। बात ध्यान से सुनने की, यहां पर जो है ध्यान देने की बात, पिछले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, आई होप आपने वीडियो को रोक रोक के सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है ना। अभी जितना भी हमने पहले पढ़ा वो सारा आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं, क्योंकि ऑल्दो मैं रोलिंग में बहुत टाइम ले लूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को खुद पर बिलीव नहीं है कि मैं रोलिंग में कितना टाइम ले सकता हूं, क्योंकि रोलिंग के ऑल्दो मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए थे और ऑल्दो 46 मिनट हो चुकी है। रोटेशन को 1 घंटे में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है और शायद ही फर्स्ट टाइम होगा इस यूट्यूब पर, मे बी किसी ने किया होगा या फिर नहीं किया होगा। देखो भाई रोलिंग, सब कुछ भूल जाना, रोलिंग कंसंट्रेशन, इस शब्द पर आपका अब सारा कंसंट्रेशन होगा। क्या है भाई? इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ सिलेंडर, ठीक है ना, लाइक अ सिलेंडर। हाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी एक बात और, यहां पर एक नोट डाल के लिख लो कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो अप्लाई नहीं होती सॉलिड 3D पर, ठीक है ना, 3D सॉलिड्स पर वो अप्लाई नहीं होती, ये बात आपको एक बार ध्यान रख लेनी है। चलो नया स्ट्रेन रोलिंग, तो भाई रोलिंग का कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते कट जाएगा रोलिंग। तो सिलेंडर रोल कर सकता है, स्फीयर रोल कर सकता है, डिस्क रोल कर सकता है, नाम लिख देता हूं, सिलेंडर रोल कर सकता है, होलो चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, खोखला हो कैसा भी हो, स्फीयर रोल कर सकता है, होलो हो चाहे कैसा भी हो, सॉलिड हो कैसा भी हो, ठीक है ना, और डिस्क रोल कर सकता है और रिंग रोल कर सकता है। ध्यान देने की वाली बात है कि ये सभी रोल करेंगे और बाकी के जितने भी लाइक स्क्वायर है, लाइक रेक्टेंगल है, वो सारे टूपल करेंगे, यानी कि पटाक से नीचे गिर जाएंगे। जब उन पर आप फोर्स लगाओगे रोटेशन के लिए, अरे चलना जाना, पटाक नीचे गिर जाएंगे, वो रोल नहीं करेंगे। बात समझ में आई? आई एम क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहां पर रोलिंग को आपको बता दिया। रोलिंग का इंट्रोडक्शन बस यही है? नहीं, ये रोलिंग का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। देखो जनरल मेरे पास एक बॉडी है, मैं उसे घुमा भी रहा, टिक 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 टिक, वही वाली चीज आगे भी ले जा रहा, पहले ही बता दिया यार, दोनों चीज हो रही है। हाँ तो इसका जब हमें वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, ओमेगा निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, समझो बात को, ओमेगा नहीं निकालना, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, मोमेंटम निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, पावर निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, मतलब ये ट्रांसलेशन वाली थोड़ी बहुत चीजें जो हमें निकालनी हो, क्या करेंगे? पी रोटेशनल प्लस पी ट्रांसलेशन, वो भी वेक्टर सम, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि अगर अपोजिट में जाएगा तो ऑल्दो वहां पर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सो पी वी, अरे यहां पर पी वी कहां से आया, वी आर वी टी ए आर ए टी, कुछ लोग इसे गलत समझ जाएंगे, एंगुलर इम्प्यूल्स वगैरह समझ गए तो
ये क्या है मास, व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज मोमेंटम, आई एम सॉरी। तो मोमेंटम, रोटेशनल ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझना है तो रोटेशन मोशन का, रोटेशन मोशन का वीडियो नंबर 10 में मैंने वो कराया, उससे पहले 9 में होता है, ओके 09 एजुकेशनल आरवीएस, ऊपर जाके सर्च कर लीजिए भाई, वहां पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा, उसे आप वहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर उसे डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है ना। वर्क डन के लिए, वर्क डन रोटेशनल, वर्क डन ट्रांसलेशन, क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बेहतरीन। तो मतलब सारे फॉर्मूलाज वही हैं, रोटेशन का भी और ट्रांसलेशन का भी, वेक्टर एडिशन कर देना है, समझ में आया, बहुत बेहतरीन। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, क्या बात क्लियर है रोलिंग मोशन के बारे में। अब आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है ना, और यहां पर वीडियो आपका खत्म नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए वीडियो खत्म नहीं हो रहा, और मैं थोड़ा सा अब यहां पर टाइम लेना चाहूंगा। अरे चलिए, तो अभी हम दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। तो अपने पास क्या है, एक प्यारा सा डिस्क है, आई से कि क्या कर रहा है भैया, रोल कर रहा है, रोलिंग का मतलब तो समझ में आया, पर एक क्वेश्चन से थोड़ा सा उसका आएगा फील, जो कि हमारा हो गया, हो गया हमारा सपना भी था, क्या सपना है, कुछ भी था नहीं। ओके, वी सेंटर ऑफ मास, लास्ट वाला पॉइंट उठा लो, चलो मैं लास्ट वाला पॉइंट उठा के दे रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हें, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R by V is equal, oh my god, sorry, omega is equals to V center of mass by 3R, बोलो ठीक है, आपको पॉइंट दिया 1, 2, 3, 4, पॉइंट A, B, C, D, ध्यान रखना ये जो पॉइंट बी और डी हैं, ये सेंटर ऑफ मास के साथ में डायमेट्रिकली लाई कर रहे हैं, मतलब समझ में आया ना, सेंटर ऑफ मास के पैरेलल। ए सी, रोलिंग की बात ध्यान रखिएगा, ओमेगा से रोल कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात याद रखिए, हमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ना है वो जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोल करे, बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन। यो 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 क्लॉकवाइज रोल करेगा, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज, 12 से 6, ओके, यो 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 रोल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो गाइस ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर ये जो प्यारा सा ए बिंदु है, ठीक है ना, इस बिंदु को लिए एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इधर है, ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है तो कुछ इधर वेलोसिटी मिलेगा, मान लीजिए इधर वेलोसिटी मिला है आर ओमेगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इधर वेलोसिटी जो मिल रहा है, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इनका फेस एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री, क्या बात समझ में आ रही है, इनके फेस एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री। अभी मेरे को जाने क्या हो गया, ओके सो मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है, सो इट वुड बी वी सी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस में cos 180 हमसे कैसे कह दिया, cos 180 मतलब आगे लग जाएगा माइनस, ठीक है, सो cos 180 में यहां पर आ गया 2vc r ओमेगा, ठीक है ना, समझ में आया, बहुत बेहतरीन। vc कितना है, 3r ओमेगा, ठीक है, vc कितना है 3R ओमेगा, तो 3R ओमेगा का हो जाएगा ये 9R ओमेगा प्लस में R ओमेगा, स्क्वायर स्क्वायर कर लो, स्क्वायर स्क्वायर कर लो,
माइनस टू इंटू सिक्स आर ओमेगा स्क्वायर, सिक्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों यहां से ये जो आ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये दस और ये छह, मतलब यहां पर रूट में बचेगा फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां से आएगा टू आर ओमेगा। बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन। तो अगर हम यहां से भी देखें तो ये हो जाएगा, इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जो कि जनरल इधर भी दिया है, तो इधर ये जो है भैया वो है थ्री आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, मतलब बचा टू आर ओमेगा। ओके, सो बात मेरी क्लियर है क्या? मेरी बात सबको समझ में आई? बहुत बेहतरीन बात है, क्या आप सबको ये सारी बात समझ में आई? क्योंकि इसके बाद जो मैं बात करूंगा प्योर रूलिंग, सब कुछ आज ही करा दो, आज ही कराना है भाई, ठीक है ना? और कभी तो करा नहीं सकते। बी वाला देखो, बी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट की तरफ देखिए, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, भैया यो यो घूम गया सजाक सजाक, तो ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी देखे गया, ध्यान दीजिए सजाक ऊपर की तरफ वेलोसिटी, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, क्योंकि वो डायमेट्रिकली पास हुआ है, ध्यान दीजिए डायमेट्रिकली पास हुआ, मैंने कहा ना ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास बी और डी, सेंटर ऑफ मास बी एंड डी lie on same plane, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही? बहुत बेहतरीन। तो यहां पर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर r ओमेगा। ध्यान देने की बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम 3r ओमेगा कह सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं ये इधर ही वही फॉर्मूला लगेगा और तो कुछ हो नहीं सकता, r ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 ऑफ r ओमेगा स्क्वायर प्लस, ओके सो अभी इसके आगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कॉस 90, कॉस 90 जीरो जीरो जीरो, कॉस 90 जीरो, तो याद है रूट का 10 आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं आर ओमेगा रूट 10, ठीक है, आर ओमेगा रूट 10, ध्यान दीजिए आर ओमेगा रूट 10, क्योंकि ये वाली एक्सिस भी पॉजिटिव है जनरल में और ये वाली एक्सिस भी पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही? बहुत बेहतरीन। तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी पर मैं एक्सपीरियंस करूंगा सचाक सचाक, देखो तो इस तरफ कुछ वेलोसिटी आर ओमेगा और इस तरफ कुछ वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास है थ्री आर ओमेगा, थ्री आर ओमेगा आर ओमेगा फोर आर ओमेगा, हाथों में सॉल्व। अभी हमने यहां पर ही ऐसा निकाला तो यहां पर ध्यान दीजिए एक नीचे की तरफ हो जाएगा, क्या मेरी बात सही है? ये नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा भैया थ्री आर ओमेगा का 9 आर ओमेगा स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर होना है तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा और यही आंसर आएगा आर ओमेगा रूट 10। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी देर से जो मैंने बात करी वो आपको क्लियर हुई? 58 मिनट हो गई, क्या बात करते हो, कमाल करते हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तो रोलिंग के पूरे डिटेल वीडियोस किस लिए बनाए गए हैं? हाँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो रोलिंग के पूरे डिटेल्स वीडियोस देखो ना फिर। चलो भाई चलो भाई चलो, कहाँ चलना है? कहीं नहीं, बस वैसे ही। यहां पर मेरे पास प्योर रोलिंग का केस लेना है, ध्यान दीजिए यहां पर एक पॉइंट होगा पी, यहां पर ग्राउंड पर एक पॉइंट होगा क्यू, ठीक है ना? प्योर रोलिंग में याद रखना ओमेगा इस तरफ ही होता है, सिचिक 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 यौंग घूमेगा और आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, सिचिक 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 सिचिक, ठीक है ना? और पॉइंट पी और क्यू की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट पी पर मेरे को एक मिलेगा इस तरफ आर ओमेगा और मेरे को एक मिलेगा इस तरफ वी, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं वी प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू पॉइंट पी का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू तो भैया जीरो, हमसे कहा है प्योर रोलिंग में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी बराबर पॉइंट क्यू होगा तभी प्योर रोलिंग होगा, क्योंकि तभी कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तभी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो सकता। तो यहां से वेलोसिटी कितना आ गया, सॉरी गाइज गाइज यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस ध्यान दीजिएगा जरा, नेगेटिव एक्सिस में है तो यहां से v आ गया r ओमेगा। क्या समझ में आया? v सेंटर ऑफ मास कह लो, सेंटर ऑफ मास कह लो, ठीक है भैया v आ गया r ओमेगा।
क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? V ऑफ सेंटर ऑफ मास है R ओमेगा, VP इज इक्वल टू VQ, ठीक है? VP इज इक्वल VQ, V ऑफ सेंटर ऑफ मास R ओमेगा। चलो तो ये बात क्लियर है, प्योर रोलिंग है। कौन सा प्योर रोलिंग, कौन सा रोलिंग है भैया? प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग में VC इज इक्वल टू R ओमेगा होगा। बट अगर मैंने एक प्लैंक को v वेलोसिटी से एक्सीलरेट करा दिया, सॉरी चला दिया, और उसके ऊपर एक यही डिस्क डाल दिया, और यहां पर भी मेरा पॉइंट p होगा, और सेम वही चीज है, ठीक है ना? सेम वही चीज उधर से कॉपी मार लो। vc माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, ये वेलोसिटी p, वेलोसिटी q, तो वेलोसिटी ऑफ q है v। यहां पर बात आके अटक गई, ठीक है ना? तो ये हो गया अपना 5% का केस, ध्यान देना इस केस पर, ठीक है ना? क्योंकि एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को एग्जाम वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना? एक्सेप्शन ये है 95% टिक ये है, ठीक है ना? 95% आपको यही केस मिलेगा, और यही होगा अपना प्योर। आप ध्यान दीजिए गाइज, हमें स्लिपिंग का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए। तो भाई स्लिपिंग में क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, VC इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर VC ज्यादा हो जाए R ओमेगा से तो क्या होगा, वो आगे की तरफ खिसक के जाएगा, समझ में आ रहा है? पहले तो भैया सीधा सीधा जिंग 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 घूमता हुआ जा रहा है, ओके। बट अगर VC बड़ा हो जाए R ओमेगा से तो ऐसे जाना पड़ेगा उसे, ठीक है ना? स्लिप करके जाना पड़ेगा। अगर R ओमेगा बड़ा हो जाए VC से तो पीछे की तरफ खिसकेगा। देखो भाई ध्यान से देखो, R ओमेगा पीछे की तरफ लग रहा है तो वो पीछे की तरफ सुचिक 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 घुमा के ले जाएगा। भाई मेरी बात सुन लो, VC जो है ना वो बड़ा होगा R ओमेगा से तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, कौन सा स्लिपिंग? फॉरवर्ड आगे की तरफ हो रहा भैया, इधर बैकवर्ड, समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन। चलो भाई, तो जो अगला अब हम बात करने वाले हैं, अगली चीज की जब हम बात करेंगे तो वो जो अगली चीज आने वाली है उसका सही दिल से आप स्वागत कीजिए। अगर मैं रफ सरफेस पर किसी भी बॉडी को रोल कराने के लिए छोड़ दूं, क्या उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आएगा? तो उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल आएगा। क्या उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है? लाइक मेरे पास में एक बॉडी है, बॉडी है, बॉडी है, बॉडी तो सबके पास ही होती है, ठीक है ना? मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना? तो ये सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है ऐसे, यहां पर भी रफ सरफेस है, ध्यान दीजिए रफ सरफेस है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, रफ 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 रफ, बहुत रफ सरफेस है, खुदरा सरफेस है, तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा से बराबर, क्या बात समझ में आ रही? एक्सेलरेशन आर अल्फा के इक्वल होगा। अब आप इसे रटना भी कह सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर, सॉरी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब मैं इसे टाइम से डिफरेंशिएट मार दूं, ठीक है ना? डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी, तो गाइज ये हो जाएगा अपना ए आर अल्फा। समझने की बात, फील लेने की बात, भाई मैं नीचे की तरफ ऐसे खिसका के फेंकूं किसी भी चीज को, ठीक है ना, यूं करके और फेंक दूं तो फिर भी रोल करता है। किसके कारण करता है? ये एक्सेलरेशन लगता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है और लाके आर अल्फा कर देता है। तो यहां भी वही बात, ये एक्सेलरेशन अगर बड़ा हो जाए, देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, आर अल्फा इस डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन बड़ा आर अल्फा से तो क्या होगा? फॉरवर्ड। अगर एक्सेलरेशन छोटा आर अल्फा से, सॉरी अगर एक्सेलरेशन छोटा आर अल्फा से तो होगा बैकवर्ड, फॉरवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है। अभी हम वीडियो नंबर 10 पर पहुंच गए हैं, रोलिंग के हिसाब से, रोलिंग की सीरीज के हिसाब से हम वीडियो नंबर 10 पर हैं इस टाइम, और आई थिंक 1 hour 4 minutes हो चुकी, तो बहुत बेहतरीन बात है कि 1 hour 4 minutes में हमने इतना सारा बात कर ली है।
अब क्या फ्रिक्शन होगा? क्या फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। भाई यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन होगा। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें और कुछ नहीं देखना भाई। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन यहां पर हो रहा है, बॉडी आगे जा रहा है, फ्रिक्शन कहेगा मैं इसे थोड़ा सा पीछे खींच लूं। बट अगर आप ध्यान दें एक बात की, क्या है कि जो फ्रिक्शन है ना उसका नेट वर्क डन जीरो होना है। फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो होगा, फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा ये बात मैं आपको यहां पर क्लियरली बता दूं। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन उसी समय तक लगेगा जब तक वो स्लिप कर रहा होगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन उसी समय तक लगेगा जब तक वो उसे स्लिप कर रहा है, ठीक है ना। उसका काम क्या है? उसे स्लिपिंग से छुड़वाना। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन बात खत्म यहां पर होती है। फ्रिक्शन का काम क्या है? उसे स्लिपिंग से छुड़वाना और रोल करवाना, ठीक है। ओके, वर्क डन उसका जीरो होगा। वन मार्क टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए, तो मैं सोच रहा था ये फिजिक्स और जेई वालों के लिए बिल्कुल भी इफिशियंट नहीं है, बल्कि ये वीडियो नीट वालों के लिए 100% इफिशियंट है। ओके, तो ये बात हमारी क्लियर हुई। नाउ गाइस एक और चीज देख लेते हैं, अभी भी कुछ देखना बाकी। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो क्या है क्वेश्चन। भाई कुछ ऐसा है कि मेरे पास पैसा है नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एक भी रुपया नहीं देता, क्योंकि तुमने सब्सक्राइबर नहीं होने दिए। हमने क्या किया? कुछ नहीं, लोगों तक नहीं पहुंचाया और हम वही रहे गरीब यूट्यूबर, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी एक फोर्स लग रहा है। फोर्स है एफ, और ऑल्दो इस तरफ फोर्स, तो हम क्या लेते हैं भैया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं पता, इस तरफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस तरफ फोर्स, इसी तरफ फ्रिक्शन, कुछ ऐसा केस है। तो भैया सेंटर ऑफ मास ये हो गया, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, A is equals to R alpha होगा, ठीक है ना। और मैं इसे कह दे रहा हूं भैया तू इधर मत लगे, थोड़ा सा ऊपर लगा, ठीक है ना। अरे बंद हो जाए यार, क्यों डिस्टर्ब करते हो। ओके, सो ये फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ये फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, 90 डिग्री दोनों के बीच में। ए इज इक्वल टू आर अल्फा होना है हर कीमत पे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा होना है। सो एफ क्या है? अप्लाइड है, ठीक है। सो मैं कह लेता हूं एफ आर, एफ आर और आर एफ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैं कह लेता हूं एफ आर और आर एफ कुछ टॉर्क दे देंगे, दैट टॉर्क इज आई अल्फा, That is I alpha। ध्यान दीजिए, ये कुछ टॉर्क दे देंगे और वो टॉर्क होगा दोस्तों I alpha। अब क्या किया जाए? यहां से अब कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहां से अब कहानी बहुत सिंपल है। अब इसके आगे आपको अगर मैं कुछ भी दे दूं, जैसे कि I की वैल्यू मैं देना चाहूं, मैं यहां पर R की वैल्यू दे देता हूं। मान लीजिए R की वैल्यू मैंने 5 मीटर दे दिया और मास इसका 5 केजी दे दिया, बहुत बेहतरीन। तो और अल्फा, और मैंने इसे सॉलिड स्फीयर कह दिया, और अल्फा की अब तो कोई बात ही नहीं करनी, बस खत्म, इतना ही बहुत है। के फोर्स भी पता कर लेते हैं थोड़ा सा, फोर्स भी बताना ही पड़ेगा हमें, एक्सेलरेशन फिर फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। ओके, फोर्स दे दिया भैया 20 न्यूटन। देखो सॉलिड स्क्वायर के लिए होता है एम आर स्क्वायर, ये रैंडम क्वेश्चन है, मैंने नहीं देखा किसी से, एम आर स्क्वायर 2/5। सो यहां पर मेरे पास है 2/5, एम कितना 5 × 5 × 5, 5 से 1 5 कैंसिल, 5 5 = 25, 2 = 50।
तो आई आ रहा है 50। एफ आर देखिए 5F प्लस F कितना है 20, R कितना है 5 यानी 100 बराबर। I कितना है दोस्तों, I पर ध्यान दीजिए, इस शख्स पर ध्यान दीजिए 50 है, तो 5F प्लस 50 इज इक्वल्स टू सॉरी डिवाइड देना पड़ेगा 2, यहां से बचता है 10, तो ये आता है F by 10 प्लस में 2 बराबर अल्फा। ध्यान दीजिए अल्फा को हम यहां पर इधर पुट कर देते हैं, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन और अल्फा, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन के टर्म्स में हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी। अल्फा यहां पर डाल देना, एक्सेलरेशन आएगा आर अल्फा, आर कितना 5, अल्फा एफ बाय 10 प्लस में 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन आ रहा है एफ बाय 2 प्लस 10 एक्सेलरेशन। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और जनरली हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, और मैं से ऐसा भी कह सकता हूं 2a बराबर में f प्लस 20, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बराबर में f बाय 2 प्लस 10, क्लियर है क्या? अच्छा, तो अभी हम इधर f लिमिटिंग पता कर सकते हैं, f लिमिटिंग भी पता कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हमें f लिमिटिंग रखना होता तो हम वो चीज कर सकते थे। क्या है कि भैया ये वही ब्लॉक है और 50 का हो जाएगा एफ लिमिटिंग 50, एफ लिमिटिंग इतना होगा नहीं, ठीक है ना, इतना होगा नहीं, 50 न्यूटन नहीं लगेगा, क्या वो रोल कर रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका लिमिटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, फ्रिक्शन लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है, तो ये बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, ओके। सो आ जाइए दोबारा से, हम गए ही कहां है, बार बार बुला देते हैं, आ जाइए दोबारा से, तो अभी मेरे पास क्या है कि एक बॉडी यहां पर रखा हुआ है इस तरीके का, ध्यान दीजिए इस तरीके का, तो इधर से क्या है कि इस तरफ से ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ लगेगा ना, ग्रेविटी सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट स्मॉल हाइट, ठीक है ना, एट स्मॉल हाइट सेम होते हैं, कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट स्मॉल हाइट सेम होते हैं, तो अभी इधर जो निकल के जाएगा, आई थिंक कि इसका ओके, मैं इसे एम जी कह लेता हूं, इसका वेट कह लेता हूं, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया थीटा, ये वाला थीटा, तो हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ, mg sin of theta, तो ये जो फोर्स है mg sin of theta, एक फोर्स ये, और यहां पर मैं कह लेता हूं फ्रिक्शन इस तरफ में लग रहा है, ठीक है ना, जनरल कह लेता हूं भाई फ्रिक्शन इस तरफ जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है r कह लेता हूं, तो r क्रॉस f इज इक्वल टू i अल्फा हियर, क्या मैं क्लियर हूं, r क्रॉस f i अल्फा होगा, इधर कुछ भी mg sin थीटा के पास तो कुछ आर ही नहीं, तो वो क्या करेगा, है ना, क्या करेगा बेचारा, आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, बहुत बेहतरीन, तो आई अल्फा हमें पता है इज इक्वल टू आर अल्फा, एक बात ये भी है, सो हम अल्फा यहां से उतार लेंगे ए बाय आर, ठीक है,
अल्फा हम यहां से उतार लेंगे ए बाय आर। क्या और कोई इक्वेशन हम मिस कर रहे हैं? क्या और कोई इक्वेशन हम मिस कर पा रहे हैं? क्या मुझे लग रहा है कि हम और कुछ भी मिस कर रहे हैं यहां पर? हाँ, तो एक ही इक्वेशन था जो हम मिस कर रहे थे, दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस में एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस में एफ बराबर एम ए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट तो लगा लिया, पर ट्रांसलेशनल तो रही गया। ऐसा आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं और कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे उधर, ठीक है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन अपना निकलता है g ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस में f बाय m। ओके, यहां पर i को i ही रहने देते हैं। ओके, सो r स्क्वायर इनटू f फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, f फ्रिक्शन हो गया, एक्सेलरेशन ये आ रहा है तो एक्सेलरेशन को नीचे डालना पड़ेगा, या फिर हम एक्सेलरेशन इधर से निकाल के ले चलते हैं। चलो एक्सेलरेशन इधर से निकालते हैं, आर स्क्वायर एफ बाय आई, आर स्क्वायर एफ बाय आई इधर यहीं पर पुट कर देंगे। आर स्क्वायर एफ बाय आई इज इक्वल्स टू जी ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस में एफ बाय एम। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? ओके, देखो f बाय एम को माइनस में लेना है, आर स्क्वायर एफ बाय आई माइनस एफ बाय एम जी ऑफ साइन ऑफ थीटा। क्या बात क्लियर? ओके ओके, फ्रिक्शन कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बाय आई माइनस वन बाय एम जी साइन थीटा, जी साइन थीटा आई एम एफ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर माइनस वन आई एम, कुछ ऐसा बन रहा है। सॉरी, इसको मैं नीचे डाल दूं, इसको मैं इसके नीचे डाल दूं, g ऑफ साइन ऑफ थीटा इसको मैं इसके नीचे डाल देता हूं, f इज इक्वल्स टू g ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वेयर माइनस वन बाय आई एम, ठीक है। तो अभी हम क्या करें? अभी हमको और भी इसके अंदर कुछ करना है, ठीक है ना। सो जनरली ये जो निकल के आता है ना, वो आता है वन प्लस एम आर स्क्वेयर बाय आई, ठीक है, निकल के जो आएगा वो आएगा वन प्लस एम आर स्क्वेयर बाय आई। तो ऐसा क्या किया जाए कि वन प्लस एम आर स्क्वेयर बाय आई, ऐसा क्या किया जाए? वन प्लस एम आर स्क्वेयर बाय आई, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? क्या करना है मेरे को? मेरे को कुछ नहीं, बस एम आर स्क्वेयर कॉमन लेना है, जी ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा वन माइनस वन बाय एम आर स्क्वेयर, और यहां पर है आई क्योंकि एम से एम मर गया। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं और आगे की बात करूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस वन बाय एम, आई ऊपर जाएगा क्या? एक मिनट जरा मुझको दीजिए, ठीक है, यहां पर एक माइनस आएगा, सॉरी यहां पर एक बड़ा मिस्टेक जो हमसे हो रहा है, दैट इज यहां पर एक माइनस आएगा और ये हो जाएगा प्लस, हर जगह प्लस, ठीक है, तो हर जगह हम प्लस डाल देते हैं एक बार। ओके, सो अब यहां पर हम क्या करें? वन बाय आई का नीचे की तरफ डिवाइड, वन बाय आई, तो आर स्क्वेयर बाय आई प्लस
एम इधर की तरफ, ठीक है, तो ये समथिंग लाइक होना चाहिए, आर स्क्वायर को कॉमन डाल लो, आई बाय वन तो वन बाय आई इधर आएगा, आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन डाल लें तो हमारा काम अब बन सकता है, ठीक है, आई प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई आएगा, क्या आएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, समथिंग लाइक ये आना चाहिए अपन को, है ना, क्योंकि वन प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई ये आना चाहिए, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर तो कुछ भी नहीं दे रखा, ओके, सो इसको हम जनरल कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी वीडियो ज्यादा लेंथ का हो चुका है आई थिंक, सो इसको हम अब जनरल कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, तो अभी ये निकल के आ जाएगा अपना ये वाला, ठीक है ना, ये निकल के ये वाला आ जाएगा, ये चीज आप अपनी कॉपी में ट्राई करें, ठीक है ना, एक और बात, कंसेप्ट यही लगेगा, सेम कॉपी होगा, शायद कहीं पर अपना गलती हो रहा है थोड़ा सा माइनर, चलो यहां पर मैं इसे इरेज करता हूं, हाँ तो मैं यहां पर फॉर्मूला और थोड़े से लिख देता हूं, ठीक है ना, दो तीन फॉर्मूला और हैं आपके पास, इसी चीज से निकल के आए, ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा सेम, ठीक है, एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, जो अभी बताया, जी साइन ऑफ थीटा, ओके, यहां पर एम जी आएगा, यही मतलब बहुत जल्दी पड़ता है, एम जी साइन ऑफ थीटा वन प्लस में एम आर स्क्वेयर बाय आई, यही है mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय, ठीक है ना, दोबारा से चलो दोबारा से देखते हैं, वही पुराना वाला तो हम डिलीट कर ही देंगे, दोबारा से देखते हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है, चलो तो क्या है मेरे पास, एक ब्लॉक है वो ऐसे निकल के जा रहा है, और यहां पर mg sin थीटा, वही पुरानी वाली चीजें, क्या कि एम जी साइन थीटा और एक फ्रिक्शन इस तरफ प्लस में फ्रिक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, तो यहां से एम से एक एम गया और यहां एम आ गया, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, एम जी साइन थीटा नहीं मारना चाहिए, ओके, सो रोटेशनल वाले कंसेप्ट से अपने पास आ रहा है आई अल्फा बराबर में, आई अल्फा बराबर में आ रहा है एफ आर, ठीक है ना, एफ इंटू आर, ये वाला एफ एफ आर, ठीक है, आई अल्फा से एफ आर आ रहा है, ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो इधर से एक्सिलरेशन आ गया अपना आर अल्फा, अल्फा की जगह हम डाल सकते हैं ए बाय आर, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आई को नीचे वही प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन यहां पर हम पुट कर लेंगे, एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस में एफ बराबर में एफ आर स्क्वायर बाय आई, ठीक है ना, और मैं फ्रिक्शन को इधर और पॉजिटिव में ले जाऊं, अब इसके आगे हमें क्या करना है, फ्रिक्शन कॉमन लेना है, पुरानी वाली केसेस, फ्रिक्शन हमें कॉमन लेना है, तो इधर क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, चलो दोबारा से देखते हैं, मुझे लगता है यहां पर दोबारा से कोई एम आर स्क्वायर एफ बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर एफ बाय आई प्लस में आएगा अपना फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये निकलता है फ्रिक्शन कॉमन लिया एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस वन, लो यहां पर तो यहीं से, और इसे अब हम नीचे डाल लेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस वन, अभी इसका आप रखें इधर या फिर
इधर रखें, इधर से ही काम चल जाएगा। इधर रख के हम एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा एम नहीं आएगा उधर, सॉरी, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस में आई बाय एम आर स्क्वायर। जस्ट रेसिप्रोकल करना है इसका, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर। फ्रिक्शन यहां पर सॉरी रोलिंग यहां पर फुली कंप्लीट होता है। इससे पहले कि आप इसे लीव कर दें, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ करना चाहता हूं मैं, तो अभी लीव मत करना प्लीज, प्लीज अभी लीव मत करना लीव। चलिए, तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि एक सेम हाइट पर सेम मास का, सेम मास सेम रेडियस सब कुछ, एक स्फीयर है और यहां पर एक होलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है बस। तो बताइए कौन पहले नीचे गिर जाएगा, मतलब इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। मैं इसे फ्रिक्शन फॉर एस कह लेता हूं, इसे फ्रिक्शन फॉर एच कह लेता हूं। इसका आई कितना होगा, बोलो आई कितना होगा इसका सॉलिड का, 2/5 एम आर स्क्वायर। और इसका आई कितना होगा, इसका आई होगा आई थिंक 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये फ्रिक्शन एस ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन एच से, तो ये से रोके रखेगा, ये लेट पहुंचेगा, ये वाला जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। वही चीज यहां पर हमें करनी है, बस फ्रिक्शन जिसका ज्यादा होगा वो लेट पहुंचेगा, फ्रिक्शन जिसका कम होगा वो जल्दी पहुंचेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस में एम आर स्क्वेयर बाय आई। तो बस यहां पर इसे देख लो, एम आर स्क्वेयर प्लस आई, ठीक है ना। एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2/5 एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो एम आर स्क्वेयर से एम आर स्क्वेयर कैंसिल और 1/1 × 5/2 आ गया। सो 5/2 + 1 कितना हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं मैं। सो 5/2 + 1 आ गया भैया 7/2। ओके, सो ये आता है अपना 7/2 एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 7/2। तो एम जी बाय 1 और ये 2/7 एम जी साइन थीटा आ गया। ध्यान दीजिए 2/7 एम जी साइन थीटा आ गया। मैं कह लेता हूं एम जी साइन थीटा बराबर के, कॉन्स्टेंट है दोनों में सेम रहेंगे इसलिए, तो मैं कह लेता हूं 2/7 ऑफ के आ गया। और अगर मैं 2/7 को सॉल्व करूं तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 7 से 2 को डालना है, तो ये आ गया 7 × 14 = 6, ठीक है, 0.2 के आ गया। तो अभी यहां पर देखिए सेम चीज कॉपी होगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। और इधर 7 की जगह 4 आ जाएगा, और इधर 4 आ गया तो मतलब 2 ऊपर गया 4 नीचे आया, एम जी साइन थीटा। सो ये आ गया 0.5 के। इसका ज्यादा है फ्रिक्शन, तो मतलब ये लेट पहुंचेगा, इट इज लेट, इट इज अर्लियर, ठीक है ना, इट इज अर्लियर। तो यहां पर ही हमारा बहुत छोटा सा फिजिक्स वॉर का वीडियो, नहीं 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 बहुत छोटा कहां है, बहुत बड़ा सा फिजिक्स वॉर का वीडियो यहां पर खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे के वीडियोस के लिए आते रहेंगे फिजिक्स वॉर के वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो नॉर्मल सीरीज चली थी उसे भी रिज्यूम करने की सोच रहा हूं, तो बाय, देखा जाएगा जैसा होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय 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 बाय।